हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डेप्रीशिएशन अकाउंटिंग थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं और ये एक ऐसा चैप्टर है बेटा जो आपको क्लास ट्वेल्थ में क्या आप जहाँ तक भी कॉमर्स पढ़ोगे वहाँ पर ये आएगा ही आएगा काम आप कॉमर्स से इलेवन से घुसकर जहाँ तक आगे मास्टरी तक चलोगे रियल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हेल्प करेगा ही करेगा बहुत बड़ा चैप्टर है आपके सिलेबस में जितना कंटेंट है मैं उतना ही आपको कराऊँगा और डेफिनेटली इस चैप्टर में बच्चों को दिक्कत आती है परेशानी आती है लेकिन मैं इस तरीके से इस पूरे के पूरे सीरीज में की पूरी क्लास लूंगा कई सात आठ वीडियो में बनाऊंगा इसके ऊपर बट तुम्हें परफेक्ट बना दूंगा ताकि तुम्हारे कहीं नंबर ना कटे और तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो ताकि तुम्हें आगे भी चाहे तुम सी कर रहे हो बी कर रहे हो बीबीए कर रहे हो फाइनेंशियल कर रहे हो इंश्योरेंस कर रहे हो ऑडिट कर रहे हो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगा राइट right? स्टार्ट करते हैं डिप्रीशियन अकाउंटिंग क्लास इलेवंथ अकाउंटेंसी का पार्ट वन सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि डेपरीशिएशन का मतलब क्या है पहले शुद्ध हिंदी में समझो, फिर हम लोग क्लास चलेंगे लैंग्वेज पे। देखो यार आज मैंने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा ठीक है आज मैंने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और वो ख़रीदा पचास हज़ार का आज खरीदा दो हज़ार बाईस में ठीक है आज एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा मान लेते हैं दो हज़ार बाईस में ख़रीदा पचास हज़ार का क्या एक साल के बाद अगर मैं इसे बेचूँगा एक साल के बाद अगर मैं इसे बेचूँगा तो क्या मुझे पचास हज़ार मिलेंगे अरे सर कैसी बात कर रहे हो जैसी आप खरीद के घर लेके आओगे तब भी बेचोगे तो भी आपको पचास हज़ार नहीं मिलेंगे एक साल बाद तो छोड़ दो शोरूम से घर लेके आ जाओ गाड़ी को गाड़ी कम सेकेंड हैंड हो जाती है पुरानी हो जाती है उस रेट में नहीं बिकती फिर इसी तरीके से यहाँ पे पचास से ऊपर नहीं बिकेगा सर ये एक साल बाद मान लो चालीस का हो जाएगा ठीक है अच्छा दो साल बाद दो साल बाद इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी मान लो तीस का हो जाएगा या फिर कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे सर ये एक साल के बाद ही तीस का हो जाएगा है ना एक साल के बाद ही का हो जाएगा इस तरीके से जो भी वैल्यू कम हो रही है मतलब वैल्यू कुछ ना कुछ एसेट की कम हो रही है ना कुछ ना कुछ एसेट की वैल्यू कम हो रही है अब मेरा सवाल है हाँ सर वैल्यू तो कम, कम हो रही है तो ये वैल्यू कम क्यों हो रही है जो ये वैल्यू कम हो रही है कितनी कम हो रही है पचास की चीज अब कितने की रह गई चालीस की तो कितनी वैल्यू कम हुई दस हजार इसी दस हजार को सिंपल भाषा में कहते हैं डेप्रीसी तो डेप्रीसी का मतलब क्या असट की वैल्यू डाउन हो जाना असेट की वैल्यू में गिरावट आना अट की वैल्यू कम हो जाना है ना इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन तो कितने का डेप्रिशिएशन लगा दस हजार का चालीस से तीस का हो गया तो यहां पर भी कितने का डेप्रिसिएशन लगा दस हजार का यानी कि मुझे पता है यार देखो हर एक असेट की एक लाइफ होती है हम सबकी भी एक लाइफ है असेट की भी एक लाइफ होती है चार साल बाद पाँच साल बाद दस साल बाद पंद्रह साल बाद बीस साल बाद उसे खराब होना ही होना है उसे ऑप्सोलेट होना ही होना है उसे डैमेज होना ही होना है तो उसकी वैल्यू धीरे 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 कम होती चली जाती है इंसान की भी वैल्यू जो होती है वो जवानी में हाई होती है लेकिन बुढ़ापे तक वैल्यू कम होती चली जाती है लेकिन मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ लेकिन बुढ़ापे में तो क्रिकेट खेल नहीं पाऊँगा तो मेरे उस टैलेंट का कोई भी रोल नहीं रह जाता तो असेट की वैल्यू क्या हो रही है धीरे धीरे कम होती चली जा रही है इसी कम होने वाली वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं सिंपल भाषा में डेप्रिशिएशन क्लियर हो गया अब रीजन यह है कि ये कम हो क्यों रहा है कम क्यों हो रहा है सर बहुत सारे रीज़न है यूज़ सर आप इसे घिस रहे हो मशीन को इस्तेमाल कर रहे हो नया पंखा चलता है दबा दब दबा दब, दब हवा देता है पुराना रहेगा दिक्कत देगा नया एसी एकदम चिल करता है बिना शोर शराबा पुराना एसी शोर शराबा करता है आवाज़ करता है मेंटेनेंस मांगता है बार बार खर्चे होते हैं ठीक है तो यूज़ कर रहे हो वियर एं वियर एंड एंड वियरेंटियर मतलब भाई घिस जाएगा कहीं कुछ स्क्रैच खराब होना ठीक है इसके अलावा ऑप्सोलेट आउट ऑफ फ़ैशन ठीक है आउट ऑफ फ़ैशन या आउट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से बाहर चला गया सर ये इस कौन यूज़ करता है सर इतनी बड़ी बड़ी टीवी पहले ज़माने में पूरी टीवी आधा घर घेर लेती थी फिर 2000 सन 2000, 2000 के करीब आया टीवी क्लास पूरा टेबल घेर लेती थी आज टीवी दीवार के अंदर ही फिट हो जाता है तो कोई पुराने टीवी को बेचेगा तो बहुत ही कम दाम मिलेंगे या फिर नहीं मिलेगा अगर आपको पुराना डब्बा वाला फ़ोन दिया जाए शायद आप उसे यूज़ भी ना करो आज मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट बंद कर दो तो मोबाइल फ़ोन डब्बा बन जाता है राइट तो वही है क्लास कि जैसे जैसे जमाना चेंज होता है तो पुरानी चीज़ें आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता चला जाता है राइट तो अब सवाल ये है कि जब मैंने आज एक मशीन खरीदी अब मेरा सवाल ये है आज मैंने मशीन खरीदी पचास हज़ार की और मैंने पूछा इंजीनियर से भाई ये मशीन कितने साल चलेगी वो कहता है भाई देखो पाँच साल चलेगी पाँच साल के बाद खराब कूड़ा कबाड़ा हो जाएगा ठीक है तो भाई पचास हज़ार की मशीन पाँच साल चलेगी तो हर साल मैं मशीन को कितना घिस रहा हूँ हर साल मैं मशीन को कितना यूज़ कर रहा हूँ सर दस अजार. इसी दस को कहते हैं डिप्रीशिएशन राइट बात समझ में आ गई अब थोड़ा अकाउंटिंग प्रैक्टिस पे चलते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिस क्या होगी इसकी अब सवाल यह है कि मैंने आज सन 2022 में 50,000 की मशीन खरीदी तो क्या आज मैं ये कह दूँ लोगों से भाई मेरा पचास हज़ार खर्चा हो गया इस साल मेरा पचास हज़ार खर्चा हो गया नहीं क्यों अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है क्लास जिसका नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट जो कहता है कि आपको कमाई और ख़र्चों को मैच करना चाहिए भैया मैंने पचास हज़ार की मशीन ख़रीदी लेकिन चलेगा भी तो पाँच साल तो हर साल का खर्चा दस हज़ार है तो ये जो दस हज़ार है ये मेरा एक्सपेंस है ये जो टेन थाउजेंड है मेरा एक्सपेंस है हर हर साल मैं दस हज़ार का एक्सपेंस दिखाऊंगा टोटल खर्चा मेरा कितना हो जाएगा क्लास पचास हज़ार ये नहीं कि आप सीधे बोल दो भाई आज तो मेरा दो करोड़ का, का नुकसान हो गया मैंने एक घर ले लिया भैया नुकसान किस बात का है आप उसे पचास साल यूज भी तो करोगे बीस साल यूज़ भी तो करोगे है कि नहीं तो यहाँ पे पाँच साल इसे, इसे इस्तेमाल करोगे तो हर साल का खर्चा जो है दस इसी खर्चे को बोलते हैं डेपरिसिएशन तो मैं एक समझदार बंदा हूँ तो मैं क्या करूँगा ध्यान समझना आज मैंने एक पचास हज़ार का फ़ोन खरीदा पचास हज़ार का एक फ़ोन खरीदा ठीक है और पाँच साल चलेगा तो हर साल दस हज़ार रुपये तो मैं हर साल अपनी कमाई में से ध्यान सुनना हर साल अपनी प्रॉफिट में से दस हज़ार रुपये निकाल के चुपके से साइड में गुल्लक बना के रख दूँगा ये गुल्लक है समझ लो ठीक है गुल्लक जैसा लग नहीं रहा बट मान लो कि ये गुल्लक है ठीक है इस हर साल इसका नाम रख दूँगा मोबाइल फंड क्या बोल दूँगा मोबाइल फंड ठीक है तो मैं हर साल दस हजार रुपये मुनाफे से निकाल के मोबाइल फंड में डाल दूंगा तो आप मुझे बताओ पाँच साल बाद मेरे इस फंड में कितने रुपए इकट्ठा हो जाएंगे सर पाँच साल बाद आपके इस फंड में पचास हजार रुपए इस गुल्लक में इकट्ठा हो जाएगा और ये पाँच साल बाद मोबाइल क्या बन जाएगा स्क्रैप क्या बन जाएगा कबाड़ा तो मुझे कोई टेंशन नहीं मैं इसको फेंकूंगा या रद्दी में बेचूंगा सीधा पचास हज़ार का एक नया फ़ोन खरीद के ले आऊंगा तो ये फ़ायदा होता है डप्रीसिएशन का कि हर साल हम अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा सा पैसा निकाल कर इकट्ठा करते चले जाते हैं सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर जब ये स्क्रैप हो जाए तो हमें झटका ना लगे अरे मेरा मोबाइल फ़ोन खराब हो गया अब कहाँ से आएगा पचास हज़ार रुपये कंपनी को झटका नहीं लगना चाहिए ठीक है तो ये क्लास पैसे जोड़ के रखते हैं दिस अमाउंट इज कॉल्ड डेप्रीसीन राइट right? अब उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि डिप्रेशन किसे कहते हैं अब थोड़ा मोड़ा आपका डाउट हो सकता है सर पचास का ही थोड़ी आएगा पाँच साल बाद साठ का आ जाएगा भैया साठ जुटाना मुश्किल है दस जुटाना आसान है तो पचास तो है तुम्हारे पास फिर ही रद्दी में थोड़ी जाएगा कुछ तो कुछ तो मिलेगा स्क्रैप में खराब फ़ोन का भी दो तीन हज़ार तो मिलेगा तो ऐसा करके हमारे लिए एक अरेंजमेंट हो जाएगा हेल्प हो जाएगी ये नहीं करा बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगा हेल्प हो जाएगी आपकी एक बेहतर होगा अगर आप नहीं जोड़ोगे हर साल तो अचानक से आपको झटका लग सकता है बेटा हर साल जोड़ रहे हो तो शायद क्लास आपको अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाए दिस अमाउंट इज कॉल्ड कॉल्डियन राइट सो पढ़ते हैं क्या है है क्या बेटा डेप्रीशियन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट वो भी कौन सी एसेट फिक्स्ड एसेट अब अब बच्चे आपको पता होना चाहिए फिक्स्ड एसेट्स किसे कहते हैं लैंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग खाली लैंड नहीं देखो लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट लैंड इज अन डेप्रिशियेबल असेट मतलब लैंड एक ऐसी चीज़ है जिसपे डेप्रीसीशन नहीं लगता ठीक है रीज़न आप मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में ठीक है चलो लैंड एंड बिल्डिंग अगर है तो उस पर डेप्रीसीन लगेगा मशीन है फर्नीचर है कंप्यूटर है सॉफ्टवेयर है इन सारी चीज़ों पर डेप्रिशिएशन लगता चला जाता है तो जितने भी फिक्स असेट हैं वो भी टेंजिबल वो भी क्या है क्लास टेंजिबल जिन्हें देख सकते हैं जिन्हें छू सकते हैं फर्नीचर हो गया बिल्डिंग हो गया मशीन हो गया प्लानर मशीनरी हो गया उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है क्यों ड्यू टू इट्स यूज वियर एंड टीयर पैसेज ऑफ टाइम कई बार समय के गुजरने से भी मशीन की वैल्यू चीज़ों की वैल्यू कम हो जाती है समय गुजरता चला जाता है पुरानी चीज़ें क्लास ख़राब हो जाती है और ऑप्सोलेंस ऑप्सोलेश मतलब क्या होता है ऑप्सोलेट होना आउट ऑफ टेक्नोलॉजी पुराना टेक्नोलॉजी हो गया फैशन पुरा पुराना फैशन हो गया अब कौन यूज़ करता है इन चीज़ों को तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई क्लास आपका मीनिंग राइट तो डिप्रिसिएशन का मतलब आपको अच्छे से समझ आ गया लैंड पे डिप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता मैं रीज़न बताता हूँ क्लास डिप्रिशिएशन हमेशा उन्हीं चीज़ों पे लगता है जिसकी एक लाइफ होती है और एक टाइम के बाद उसकी लाइफ ख़त्म हो जानी है बिल्डिंग है भैया एक टाइम के बाद गिर जाएगी ख़राब हो जाएगी है ना तोड़ के नया बनाना पड़ेगा बट क्या लैंड पुरानी हो जाती है कभी आप कहते हो अरे भैया ये तो 1950 की लैंड है तो सड़ गई लैंड खराब हो गए ज़मीन ख़राब हो गई जमीन जमीन टूट रहा है अरे ज़मीन तो टूटी हुई है ज़मीन में स्क्रैच आ रहा है ज़मीन ऐसा कभी भी कुछ होता है? नहीं लैंड की कोई लाइफ नहीं होती इंसान ख़त्म हो जाएगा मिट्टी मिल जाएगा बट मिट्टी की कोई लाइफ नहीं है लैंड जमीन की कोई लाइफ नहीं है तो ज़मीन की जब कोई लाइफ ही नहीं है तो उसकी वैल्यू कम नहीं होती कभी भी सर बढ़ती क्यों है लेकिन बढ़ती ज़मीन की वैल्यू कभी भी ज़मीन की वजह से नहीं बढ़ती ज़मीन की लोकेशन की वजह से बढ़ती है कि ज़मीन है कहाँ मेरे घर के पास हवाई अड्डा है मेरे घर के पास क्लास बस स्टैंड है मेरे घर के पास जो है अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं हॉस्पिटल हैं फैक्ट्रियाँ हैं तो मेरे घर की कीमत जाहिर सी बात है बढ़ेगी वहीं मेरे दोस्त का घर है वहाँ पर पचास किलोमीटर दूर जाना पड़ता है कंपनी के लिए वहाँ पे सड़क अच्छी नहीं है वहाँ के आसपास में कोई डेवलपमेंट नहीं है तो वो ज़मीन सस्ती मिल जाएगी तो ये रीज़न होता है राइट तो लैंड इज़ अ नॉन डेप्रिशल असेट चलो मीनिंग में हमने काफ़ी टाइम दे दिया अब आगे देखते हैं ठीक है ठेके? कुछ मेन चीज़ें सर डिप्रिशिएशन मतलब हर साल जो असेट की वैल्यू कम होती चली जाएगी उतना पैसा इकट्ठा करके रख लेंगे सो दैट मशीन पुरानी हो जाए और नई मशीन ख़रीद लें क्या यही होता है यस यही होता है लेकिन सर आपने थोड़ी देर पहले बोला डिप्रीशिएशन एक एक्सपेंस है खर्चा है लेकिन हम यहाँ तो पैसा किसी को दे ही नहीं रहे एग्जाम्पल मैंने पेन खरीदा पचास हज़ार का मुझे पता है ये दस साल पाँच साल तक चलेगा उसके बाद ही स्क्रैप हो जाएगा मुझे नया पेन खरीदना पड़ सकता है ये भी चार साल हो जाए छः साल, साल हो जाए बट ऑन एन एवरेज पाँच साल चलेगा ठीक है तो मैं क्या करूँगा ये पेन पचास का है मान लो तो हर साल मैं क्या करूंगा अपने मुनाफे में से दस हज़ार रुपए निकाल के जिम में डाल दूंगा प्रॉफिट में से ताकि इस पेन के लिए पैसे इकट्ठा हो जाए तो ये मैंने खर्चा मान लिया कि ये दस हज़ार रुपए निकाल के साइड में रख दो भाई ये किसी को नहीं देना इसे खर्चा मान लिया लेकिन किसी बाहर वाले को पैसा थोड़ी दिया है क्या बिजनेस के बाहर पैसा गया है नहीं ये तो अपने पास इकट्ठा किया है जोड़ के कि भाई इस दस हजार में हाथ मत लगाओ ये पेन का है फिर अगले महीने दस हजार रुपये और डाल दो भाई इस बीस हजार पे हाथ मत लगाओ ये पेन के लिए इसे कहीं खर्च मत करो तुम्हें दिक्कत परेशानी है कहीं और से जुटाओ पैसे इस पैसे को मत छेड़ो सो इज अ नॉन कैश एक्सपेंस क्योंकि आप पैसा किसी बाहर वाले को नहीं दे रहे अगला क्या है इट इज डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अब बेसिकली तुम जो आगे के दो तीन चैप्टर के बाद एक चैप्टर पढ़ोगे जो कि पेपर में लगभग चौबीस नंबर का आता जो बहुत

एक साल में मैंने सेवेंटी फाइव थाउजेंड की सेल करी है और इस साल मैंने कुछ भी नहीं खरीदा बस एक मशीन खरीदी एक लाख की जो चलेगा पांच साल ठीक है जो चलेगा कितने साल साल तो क्या मैं अपना खर्चा एक लाख दिखा दूं क्या ये सही होगा कि सर देखो मैंने तो पिचहत्तर हजार की सेल कर दी और एक लाख की मशीन खरीदी तो मुझे पच्चीस हजार का नुकसान हो गया क्या ये अकाउंटिंग सही है आपको लगता है इस दिस अकाउंटिंग पॉलिसी इज करेक्ट आंसर इज नो ये बिल्कुल गलत है क्यों भैया तुमने जो एक लाख की मशीन खरीदी है पांच साल चलेगा एक साल में थोड़ी कबाड़ा हो जाएगा जो तुम एक साल की कमाई में से एक पाँच साल का खर्चा माइनस कर दोगे तो ये पांच साल चलेगा तो हर साल का खर्चा जो है वो कितना आएगा बीस हजार तो मैं बीस माइनस करूँगा बीस माइनस करूंगा पचपन हजार का प्रॉफिट प्रॉफिट दिखाऊंगा ना कि लॉस समझ रहे हो बात को फिर मैं अगले साल फिर 20 माइनस करूंगा अगले साल 20 माइनस करूंगा पाँच साल तक मैं 20 20 घटाता चला जाऊंगा भले मैं खर्चा करूं ना करूं क्यों क्योंकि क्लास यही आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक्रोल कॉन्सेप्ट कहता है भैया ये करेक्ट प्रॉफिट लॉस है हम सही मायने में इस साल इस साल पचपन हज़ार का मुनाफा कमाए हैं भले ही हमारी जेब से एक लाख की मशीन चली गई बट हमने साल भर उसे इस्तेमाल तो सिर्फ बीस हज़ार का ही किया है तो खर्चा बीस हज़ार का ही मानेंगे ना कि एक लाख का ओके ये बीस है ओके चलो इट हेल्प्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ असैट सीधी सी बात है आप पैसा जोड़ते चले जाते हो जोड़ते चले जाते हो तो असेट को रिप्लेस करने में भी हमारी मदद करता है सो so दैट हम एक नई मशीन नई असेट को खरीद सके उम्मीद है यहाँ तक अच्छे समझ आ गया होगा ये क्लास डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं आप इसके ये भी लिख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो ओके नाउ कम टू क्लास ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सबसे पहला है डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स असट पे लगता है लाइक बिल्डिंग मशीन देखो लैंड नहीं लिखा लैंड एंड बिल्डिंग लिख सकते हो लेकिन खाली लैंड नहीं लिख सकते ठीक है क्योंकि उसकी कोई लाइफ नहीं थी बिकॉज आपके टीचर बोले लैंड बिल्डर नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता तो बोला मैम लैंड की कोई लाइफ नहीं होती ज़मीन कभी मरती नहीं है पुरानी नहीं होती सड़ती गलती नहीं है इसलिए क्लास ज़मीन की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती मशीन हम इंसान सब की वैल्यू कम हो जाती है ख़राब हो जाता है वैल्यू कम हो जाती है ठीक है वेरेंटियर होता है लैंड नहीं ठीक है अच्छा डेप्रीसी जो है क्लास वो एक फिक्स एसेट है सॉरी फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है बिल्डिंग मशीनरी एसेट्रा तो जितने भी फिक्स असेट हैं उनके ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन लेकिन जो इंटेंजिबल असेट है आपको ये बच्चा बोलते हैं सर गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट इन सब की भी तो वैल्यू कम होती है गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट इनकी भी तो वैल्यू कम होती है मान लो हमने सरकार से पाँच साल का लाइसेंस लिया है तो भी हर साल उस लाइसेंस की वैल्यू कम होगी पाँच साल बाद वो लाइसेंस एक्सपायर मुझे फिर नया लाइसेंस लेना पड़ेगा रिन्यू कराना पड़ेगा तो उनके लिए जब उनकी वैल्यू कम होती है तो उनके लिए हम लोग डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करते उनके लिए एक वर्ड यूज करते अमोरटाइजेशन ए एम ओ आर टी आई जेड ए टी आई ओ एन अमोरटाइजेशन डेप्रिसिएशन टेंजिबल पे लगता है और ये लगता है इनटेंजिबल ध्यान रखना डेप्रिशिएशन लगता है टेंजिबल पे और ये किस पे लगता है क्लास इनटेंजिबल डेप्रिशिएशन टेंजिबल और ये इनटेंजिबल नेक्स्ट है डिप्लीशन बेसिकली वेस्टिंग असेट कुछ ऐसे असेट होते हैं इसको बोलते हैं वेस्टिंग असेट ये इसे कह सकते हैं क्लास कोल माइंस हो गया माइंस पे लगता है बेसिकली ठीक है जहाँ से आप खदान है जैसे कोई कोयले की खदान है तो कोयला निकालते चले जाओगे तो खदान की वैल्यू कम हो जाएगी है कि नहीं तो माइन्स हो गया ऑयल फील्ड्स हो गया सेक्टर ऑयल रिक्स हो गया आप ऑयल निकालते चले जा रहे हो निकालते चले हो ऑयल खत्म हो गया पाँच साल तक निकाला ऑयल खत्म हो गया उसकी वैल्यू कम होगी तो हर साल ऑयल निकालोगे तो उस उस कोल माइन की उस खदान की वैल्यू कम होती चली जाएगी तो उसको लिए उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रिशिएशन फिक्स असेट फिक्स असेट टेंजिबल अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल असेट और डिप्लीशन किस पे होता है क्लास मिनरल असेट पे या इसे क्लास वेस्टिंग असेट कह सकते हो इसे क्लास आप घुमा फिरा के नेचुरल रिसोर्सेज भी कह सकते हो पता नहीं कब कौन टीचर किस नाम से दे दे नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल असेट या वेस्टिंग असेट भी आप कह सकते हो माइन्स कोल माइन्स ऑयल फील्ड्स एक्सेट्रा अब बात करते हैं डिप्रिसन लगाने के मेथड्स देखो डिप्रीसी लगाने के एक मेथड नहीं है इतने सारे मेथड होते हैं डिप्रिसन को लगाने के बहुत सारे मेथड है लेकिन तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ दो ही मेथड है जो तुम्हें पढ़ना है इवन क्लास इलेवन ट्वेल्थ तक तो तुम्हें क्लास इन्हीं दो मेथड का ही यूज होना है और इवन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में भी मे बी सेकंड थर्ड ईयर में कुछ अलग हो जाए सीए के फील्ड में कुछ अलग हो जाए बट फिलहाल ये इतने सारे मेथड आपको नहीं पढ़ने आपको सिर्फ दो मेथड पढ़ने हैं डेप्रीशिएशन के दो मेथड राइट right? चलो तो पढ़ते हैं थोड़ा सा डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा बहुत कुछ सीखा अभी तक अब बात करते हैं मैथड ऑफ डप्रीसिएशन पहला मैथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड ठीक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एस एल एम दूसरे मेथड का जो नाम है वो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यानी कि डब्ल्यू दो तरह के मेथड होते हैं क्लास सबसे पहला है एस दूसरा है डब्ल्यू स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं ध्यान समझना कैलकुलेशन में काम आएगा ठीक है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या इसे हम लोग क्लास ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं ठीक है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ये एक ही नाम है इसको बोलते हैं एसएलएम डब्ल्यू डी वी होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मैथड डिमिनिशिंग बैलेंस मैथड इसका नाम होता है ठीक है रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड हो गया डिमिनिशिंग बैलेंस मैथड हो गया डिमिनिशिंग की जगह रिड्यूसिंग भी आ सकता है रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड हो गया ठीक है ये आपका क्लास मैथड हो गया दूसरा मैथड एस एल एम और डब्ल्यू डी वी स्ट्रेट लाइन मैथड रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड अभी दोनों मेथड में क्या फर्क है ध्यान से और अच्छे से समझना मैं तुम्हें तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ एस और डब्ल्यू ठीक है एस और डब्ल्यू देखो क्लास कैसे हम एस एल एम को डिफरेंशिएट करेंगे इसका ट्रीटमेंट समझो आप क्योंकि हमें इस चैप्टर से थ्योरी ना के बराबर आएगी इस चैप्टर से तो हमें बस न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा तो ध्यान से अच्छे से समझना ये है क्लास एस एल एम ये है डब्ल्यू अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग की जाती है अलग अलग मेथड है कोई मैनेजर कहता है एस चलाओ कोई कहता है डब्ल्यू बट एक बार जो चलाया वो चलता रहेगा सालों साल ठीक है चलो तो स्ट्रेट लाइन मेथड मान लो आपने एक असेट खरीदी एक लाख की ध्यान समझना आपने एक असेट खरीदी एक लाख की और डब्ल्यू डी में भी आपने एक असेट खरीदी एक लाख की देखना कितना सिंपल है और अच्छे से समझना एक एक चीज क्योंकि इस चैप्टर में दिक्कत आती है आती है आती है सीनियर से पूछना मैं तुम्हें हीरो बनाऊंगा परफेक्ट बनाऊंगा ध्यान तो से देखो कॉस्ट है एक लाख की आपने एक लाख की खरीदी ठीक है डिप्रिशिएशन का रेट है टेन परसेंट यानी हर साल असैट की जो वैल्यू है वो दस परसेंट से कम होगी कितने से दस परसेंट से हर साल असेट की वैल्यू कम होगी सौ की चीज़ अगले साल नब्बे की रह जाएगी ठीक है तो भैया ईयर वन ईयर वन डेप पहले साल का डेप लगाओ दस हजार तो कितना क्लास बचेगा नब्बे हजार ठीक है ये जो नब्बे हजार है इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू क्या कहते हैं क्लास रिटर्न डाउन वैल्यू जब किसी भी एसेट में से आप डिप्रीशिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचता है कि एक साल में था एक लाख का दस परसेंट यूज कर ले नब्बे हजार का बचा दिस इज कॉल्ड डब्ल्यू डी वी ठीक है यहां पर भी दस परसेंट डेप लगेगा ईयर वन डेप ये ब्रैकेट का मतलब माइनस है तो एक साल के बाद जो असेट की रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई वो नब्बे हजार हो गई अब बच्चे बोलेंगे सर फर्क क्या रह गया दोनों मेथड तो सेम ही है इसमें भी नब्बे हजार है इसमें भी नब्बे हजार है पहले ईयर दोनों मेथड से अकाउंटिंग सेम रहता है ओनली फॉर फर्स्ट ईयर नाउ कम टू सेकेंड ईयर अब जो दूसरा ईयर है ध्यान से देखना क्लास ईयर टू डेप्रीशिएशन जो दूसरे साल डिप्रीशिएशन लगेगा वो एस एल एम मैथड पर हमेशा कॉस्ट पे ही लगेगा एक लाख आपकी कॉस्ट है एक लाख का दस परसेंट दस हज़ार दो साल बाद असेट की वैल्यू अस्सी हज़ार है लेकिन डब्ल्यू डी वी में जो ईयर टू का डिप्रीसीशन लगेगा वो कॉस्ट पे नहीं लगेगा वो डब्ल्यू डी वी पे लगेगा इसीलिए इस मेथड का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डब्ल्यू डी वी कितना है बच्चों नब्बे हज़ार उसका दस परसेंट नौ हज़ार तो यह आएगा इक्यासी हज़ार यह आएगा क्लास आपका दो साल के बाद की वैल्यू सीधी सीधी सिंपल भाषा में समझाऊं एस में हर साल डिप्रीशिएशन कॉस्ट पर ही लगेगा जबकि डब्ल्यू में हर साल डिप्रीशिएशन डब्ल्यू पे लगेगा थर्ड ईयर पे आते हैं ईयर थ्री डेप तो हर साल कॉस्ट पे एक लाख का दस परसेंट दस हज़ार तो तीन साल बाद ये हो गया सत्तर हजार का लेकिन यहाँ पे जो थर्ड ईयर का डप लगेगा वो लगेगा क्लास 8,100, यानी कि डब्ल्यू पे तो 72,900 ये आपका क्लास बचेगा तीन साल के बाद मेरी बात समझे क्लास कितनी सिंपल सी कैलकुलेशन आपको बता कर चल रहा हूँ यही है क्लास इसीलिए आप देखोगे हर साल ये जो डिप्रीशियन है हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है इसीलिए इस मेथड का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और स्ट्रेट लाइन मैथड तुम्हें नाम समझ आ गया क्यों इसका नाम ऐसा रखा है ओके डन ठीक है इसमें हर साल डब्ल्यू पे डेप लगता है इसीलिए इसका नाम क्या है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यहाँ पे असेट की वैल्यू कम हो जाती है उसके ऊपर अमाउंट पे डेपरेशन लगता है इसीलिए इसे डिमिनिशिंग बैलेंस या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं क्रिस्टल क्लियर आई होप आप लोगों को अच्छे से ये दोनों डिफरेंशिएशन समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको दोनों में डिफरेंशिएट करना है आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ठीक है कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज आप बता देना मुझे ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो तो ये आपके दो मेथड है एस एल एम और डब्ल्यू डी बी तो ये रहा वो स्ट्रेट लाइन मेथड जहां हर साल आपकी कॉस्ट पे डेपरेशन लगता है कमेंट सेक्शन में एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना ठीक है मैंने एक असेट खरीदी जिसकी कॉस्ट है दो लाख रुपए और हर साल का डेप लगेगा मान लो पंद्रह परसेंट डेप है पंद्रह परसेंट तो आफ्टर फाइव ईयर आफ्टर फाइव ईयर असेड की वैल्यू कितनी होगी ठीक है डब्ल्यू डी वी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी होगी मतलब आज मैंने खरीदा दो लाख का हर साल पंद्रह परसेंट पर एन एम का डिप्रिसिएशन लगेगा तो पाँच साल के बाद आपको बताना है वैल्यू कितनी होगी एस एल एम से और पाँच साल बाद वैल्यू कितनी होगी डब्ल्यू डी वी से तो, तो आप आंसर लिखोगे कि एस एल एम से सर पाँच साल बाद इतनी वैल्यू होगी और डब्ल्यू डी वी से पाँच साल बाद इतनी वैल्यू होगी मुझे बताना सो दैट मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लूँगा कि आपको पता चला कि नहीं कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड

कॉस्ट ऑफ असेट असेट की जो कॉस्ट है वो उसमें से सालवेज वैल्यू माइनस कर दो सालवेज वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू या रेजिड्यूअल वैल्यू कुछ बुक में सालवेज लिखा रहता है कुछ में स्क्रैप लिखा रहता है कुछ में रेजिड्यूअल लिखा रहता है बाद बराबर है ध्यान समझना कॉस्ट ऑफ दट माइनस करोगे सालवेज स्क्रैप या रेजिड्यूअल वैल्यू कॉस्ट ऑफ दट है माइनस कर देना सालवेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू या रेजिड्यूअल वैल्यू आप ये माइनस कर दोगे डिवाइड दोगे क्लास यूजफुल लाइफ ऑफ असेट असेट की जो यूजफुल लाइफ है कि असेट कितने साल चलेगा दस साल चलेगा पाँच साल चलेगा दो साल चलेगा डिवाइड दे दोगे तो आपका क्लास डिप्रीशिएशन पता पड़ जाएगा पर एन एम का एस एल एम मेथड से कॉस्ट माइनस स्क्रैप मतलब दस साल बाद जो असेट कबाड़ होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी उस कबाड़े की उस स्क्रैप की वैल्यू कितनी होगी अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ ए लेकिन ये जो यूजफुल लाइफ होता है ना ये हमेशा एस्टीमेटेड होता है ये एक्चुअल नहीं होता है. कोई भी इंजीनियर कोई भी आर्किटेक्ट मुझे ये नहीं कह सकता कि आपकी बिल्डिंग पाँच साल बाद गिर जाएगी एग्जैक्टली exactly पाँच साल बाद गिर जाएगी नहीं मौसम विभाग भी एग्जैक्टली exactly नहीं पता कर पाते मौसम विभाग भी कि भैया कितना मौसम खराब होगा कब बारिश होगी वो भी पता नहीं कर पाते एक्जैक्टली exactly, है कि नहीं सो कॉस्ट ऑफ द एट माइनस सेलवेज वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ असैट ये आप डिवाइड दोगे तो क्लास आपका डेप्रिसिएशन पर एन एम निकल आएगा हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है राइट right? अब सवाल यह है कि कॉस्ट ऑफ द असेट किसे कहते हैं असेट की जो कॉस्ट है उसे किसे कहते हैं ध्यान समझना सबसे पहली बात जितनी भी परचेज वैल्यू है आपने मान लो एक असेट खरीदी साठ हज़ार की आपने एक असेट खरीदी साठ हज़ार की तो परचेज वैल्यू क्या होगी साठ हज़ार इसी कॉस्ट में अगर उस एसेट को इंस्टॉलेशन करने में कोई खर्चा आ रहा है उस असेट को खरीदने में कुछ टैक्सेस आपने पेड किए हैं उस असेट को आप इंस्टॉलेशन या ओवर करते हो ठीक है ओवर आप टांगने वांगने या खर्चा करते हो ठीक है उस असेट को और अगर आपने कोई रिपेयर कराया है उस असेट पे ओनली फॉर सेकेंड हैंड ओनली सेकेंड हैंड अगर आपने कोई सेकेंड हैंड गुड्स लिया है मतलब कि किसी भी असेट को चलाने योग्य एक वर्ड है पुट इन टू यूज़ किसी भी असेट को यूज़ करने के लिए या कब से आप यूज़ करोगे उस चीज़ को बनाने के लिए भैया से ए सी खरीद लिया चला लोगे गए बिना बिना इंस्टॉलेशन कराए भैया ए सी तुमने खरीद लिया क्या खुद ही चला लोगे प्लग करके जैसे बल्ब जलाते हैं डाला होल्डर में जल गया नहीं इंस्टॉलेशन कराना पड़ेगा तो ये इंस्टॉलेशन वगैरह या कोई टैक्सेस हो गया या रिपेयर या फिर क्लास आप समझ लो काटेज कोई काटेज हो गया किराया भाड़ा आपने दिया तो वो सब कुछ ऐड करोगे उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो कॉस्ट आएगी तो अगर आपने कोई इंस्टॉलेशन कराया टैक्सेस दिया ये सारा क्लास इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ असट के अंदर ही आएगा दीज ऑल आर कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस ये सारी चीज़ें उसी में जुड़ जाएंगी लाइक like आपने टैक्स दिया क्वेश्चन कहेगा एक मशीन खरीदी साठ हज़ार की इंस्टॉलेशन में लग गया पाँच तो असट साठ का नहीं है फिर असट कितने का है पैंसठ हज़ार का सिक्सटी फाइव थाउजेंड का अच्छा आपने इसेट खरीदी साठ की पाँच का टैक्स दिया पाँच का कर इंस्टॉलेशन कराया और टांगने में खर्चा दो हज़ार का आ गया तीन हज़ार का कार्टेज दे का दिया तो पाँच पाँच दस पाँच पंद्रह सेवेंटी फाइव थाउजेंड का क्या आ जाएगा क्लास आपका असट की कॉस्ट आएगी तो कुल मिला के आप ये ध्यान रखो कॉमेंट सेक्शन में लिख लो कि सर जी इंस्टॉलेशन एक्सपेंस या कार्टेज जनरली दो रहता है अगर कभी दिया होगा तो हम उसको कॉस्ट में ऐड करेंगे कि वही हमारी कॉस्ट है ओके okay? चलो बस ये छोटी सी बात थी ध्यान रखना बाकी धीरे 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 इस चैप्टर को बिल्कुल तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग बना दूंगा उम्मीद है यू आर इंजॉइंग अब आते हैं क्वेश्चन पे अब फर्म बॉट मशीन एक लाख अस्सी हज़ार फर्म ने एक मशीन खरीदी एक लाख अस्सी हज़ार की और बीस हज़ार रुपये दिए स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन तो असैट की जो कॉस्ट होगी वो एक अस्सी प्लस ट्वेंटी असट की जो कॉस्ट होगी वो होगी दो लाख रुपये असीट की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी क्लास दो लाख रुपये इसकी वैल्यू पाँच साल है एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो फाइव ईयर्स है और इट इज़ रियलाइजेबल एट द एंड ऑफ द लाइफ तो स्क्रैप वैल्यू स्क्रैप रेजिडल वैल्यू सालवेज वैल्यू कितनी है टेन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनुअल डिप्रेशन एंड रेट ऑफ डिप्रीशन मैं तो मैं दोनों सिखाता हूँ क्या सिखाया था फॉर्मूला एनुअल डिप्रीशन कॉस्ट तो कॉस्ट दो लाख का है माइनस कर दो स्क्रैप दस हज़ार एक नब्बे को पाँच से डिवाइड दो एक नब्बे अपॉन पाँच कितना आया क्लास पाँच साल लाइफ है ना फाइव ईयर लाइफ है दो लाख का माइनस दस हज़ार तो एक नब्बे को यार पाँच से डिवाइड देखो कितना आ रहा है अड़तीस हज़ार आएगा एक लाख नब्बे हज़ार डिवाइड बाई पाँच हाँ अड़तीस हज़ार तो ये हो गया क्लास एनअल डिप्रीसीशन हर साल जो डप्रीसीशन लगेगा वो अड़तीस हज़ार रुपये लगेगा तो पाँच साल तक इकट्ठा हो जाएगा एक लाख नब्बे हज़ार दस हज़ार तुम्हें मिल जाएगा कबाड़े से हो गया दो लाख तुम असेट खरीद सकते हो है कि नहीं इन्फ्लेशन वगैरह इसमें एडजस्ट नहीं है अभी रेट ऑफ डिप्रीशिएशन रेट ऑफ़ डप्रीसीन किस रेट से लग रहा है फिर सर डप्रीसीशिएशन ध्यान समझना इसका फॉर्मूला क्या होता है जितना भी डप्रिसिएशन है वो ऊपर रख दो अड़तीस हज़ार का डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितने की है क्लास दो लाख की इंटू हंड्रेड तो दो लाख की हमारी असट की कॉस्ट है जिस पे डिप्रिसशन लग रहा है अड़तीस हजार तो अड़तीस हज़ार डिवाइड बाई दो लाख इंटू हंड्रेड विच इस नाइनटीन परसेंट तो कितना क्लास लगेगा उन्नीस परसेंट अमाउंट आएगा नाइनटीन तो तो परसेंट मतलब परसेंटेज आएगा नाइनटीन परसेंट राइट तो ये आ गया क्लास आपका साल भर का डेप्रिशिएशन उसी डेप्रिशिएशन को अगर कॉस्ट से डिवाइड दोगे इससे कॉस्ट से एक अस्सी नहीं दो लाख से इंटू हंड्रेड करोगे तो परसेंटेज में आएगा कि आपका नाइनटीन परसेंट का डेप्रेशिएशन लग रहा है कोई दिक्कत परेशानी तो हो तो प्लीज़ मुझे बता दो अब हम चलते हैं इसकी जनरल एंट्रीज़ पे तो सबसे पहली एंट्री आप क्या करोगे किसी भी असेट को परचेज़ करोगे परचेज ऑफ एन असेट यानी फिक्स असेट इसमें डेप्रिसिएशन है फिक्स असेट खरीदोगे तो कोई भी फिक्स एसेट अगर आप खरीदते हो तो उसको डेबिट करोगे फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक भाई असेट खरीदने की एंट्री क्या होती है मुझे बताओ असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और अब तुम उस एसेट पे लगाओगे डेप्रीसीन यूज़ करोगे जैसे आपने इस्तेमाल में लेके आया उसको चालू हो गया खर्चा डेप्रीसीन का तो डेप्रीसीन खर्चा है तो खर्चा डेबिट होगा भाई आप सबको पता है

सो so क्लास ये क्या हो गया आपका करेक्ट डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट ये आपका क्लास जनल एंट्री रहेगा ये असेट खरीदने की एंट्री या डेप लगाने की एंट्री ओके okay? तो मैं धीरे धीरे अगली क्लास में कंसिडर आपको बताऊंगा कि बेचने की एंट्री क्या होती है और बहुत सारे अकाउंट्स वगैरह बनाएंगे मशीन अकाउंट बेसिकली हम लोग बनाएंगे दो एंट्री आप अच्छे से लर्न कर लेना और यहाँ तक मैंने आपका पूरा करा दिया है उम्मीद है यहाँ तक आप अच्छे से कर लोगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अच्छी लगी वीडियो सीखने को मिला तो प्लीज़ अपने सारे क्लासमेट दोस्तों को शेयर करना ये सारी चीज़ें लिख की क्लास आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैंशन कर सकते हो आपको मैंशन बैक करूँगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं इससे क्लास एक मोटिवेशन आएगा आप इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तो फिर के बाय बाय या ईको की प्ले अटैच कर दिए तो आप ईको भी मेरे साथ साथ पूरा खत्म कर सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में